आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स का बदल जाएगा पूरा बॉलिंग अटैक। जानेंगे पूरी खबर, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस को हरा पाएगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आईपीएल 2022 से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। चेन्नई सुपर किंग्स को गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन में 6 मुकाबले खेले हैं जिसमें से सिर्फ एक ही मुकाबला जीता है। चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला जाएगा। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रविंद्र जडेजा बॉलिंग अटैक में कुछ बड़े बदलाव कर सकते हैं। तेज गेंदबाज एडम मिलने की वापसी हो सकती है। एडम मिलने चोटिल होने की वजह से पिछले मुकाबलों में नहीं खेले थे। एडम मिलने के वापस आने के बाद तेज गेंदबाजी को मजबूती मिलने वाली है। तो दूसरी तरफ क्रिस जॉर्डन प्लेइंग 11 से बाहर हो सकते हैं। गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार की सबसे बड़ी वजह क्रिस जॉर्डन की खराब गेंदबाजी रही। मुकेश चौधरी का प्रदर्शन भी अभी तक उतना अच्छा नहीं रहा है जितनी की उम्मीद थी। मुकेश चौधरी काफी ज्यादा महंगे साबित हो रहे हैं। मुकेश चौधरी की जगह राजवर्धन हेंगरगेकर को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। राजवर्धन 140 से अधिक की गति से गेंदबाजी करते हैं। इसके अलावा बल्लेबाजी करने की क्षमता भी रखते हैं। अगर हम स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो रविंद्र जडेजा और महेश तीक्ष्णा स्पिन गेंदबाजी को संभालते हुए नजर आ सकते हैं। मोइन अली भी स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स अपने बदले हुए बॉलिंग अटैक के साथ मुंबई इंडियंस को जरूर हराना चाहेगी। आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस को हरा पाएगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।